हाय एवरीवन। सो आज हम क्या करने वाले हैं, माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करना सीखेंगे। 11th और 12th में माई एसक्यूएल को हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारे सिलेबस में है, सेकंड टर्म में है। सो उसे इंस्टॉल कैसे करना है, सो क्लिक ऑन योर ब्राउज़र एंड देन ओपन द गूगल, टाइप माई एसक्यूएल डाउनलोड एंड क्लिक ऑन दिस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ माई एसक्यूएल। नाउ इन द डाउनलोड सेक्शन क्लिक ऑन माई कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड। सो अब इस पेज पे हमें क्या करना है, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज पे क्लिक करना है। देन वी हैव टू ऑप्शंस, सो सिलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द सेकेंड डाउनलोड बटन। नाउ इट विल आस्क यू टू लॉग इन और द साइन अप, सो देर इज नो नीड टू लॉग इन और साइन अप, जस्ट क्लिक ऑन नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। सो आप देखेंगे कि माई एसक्यूएल इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। सो माई एसक्यूएल इंस्टॉलर इंस्टॉल हो चुका है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर इसे ओपन करेंगे। मीनवाइल हम गूगल स्क्रीन को मिनिमाइज कर लेते हैं। सो नाउ इट विल आस्क यू, डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक द चेंजेस टू योर डिवाइस, जस्ट क्लिक ऑन द येस बटन। सो ये एक विजार्ड आपके सामने ओपन अप हो जाएगा। सो आपको सर्वर ओनली पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। आफ्टर दिस आपको यहाँ पे माई एसक्यूएल दिख रहा होगा, माई एसक्यूएल सर्वर 8.0 रेडी टू इंस्टॉल। सो क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन, इट्स इंस्टॉलिंग। यू कैन सी द परसेंटेज हियर, द प्रोग्रेस परसेंटेज। सी माई एसक्यूएल सर्वर इज कंप्लीटेड, 100% ये कंप्लीट हो चुका है। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, देन अगेन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, देन अगेन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड देन ये आपसे अब माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड मांगेगा यहाँ से। सो आपको जो भी पासवर्ड रिक्वायर्ड है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डालेंगे एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। सी यहाँ पे ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये हमारे पूरे प्रॉपर इंस्टॉल होंगे। सो क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। देन क्लिक ऑन फिनिश, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। सो माई एसक्यूएल जो है ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पे अगर माई एसक्यूएल को टाइप करके ओपन अप करेंगे, कमांड लाइन जो हमारे पास क्लाइंट है इसको क्लिक करेंगे, जो भी पासवर्ड हमने इंसर्ट किया था उस टाइम पे वही पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है। सो ये माई एसक्यूएल की स्क्रीन है, यहाँ पे आपको अपना वर्क करना है। सबसे पहले आप इसके अंदर डेटाबेस को क्रिएट करोगे तभी आप अपना वर्क कर पाओगे। सो उसके लिए आप कमांड चलाओगे क्रिएट डेटाबेस, और मैंने डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया स्टूडेंट एंड देन सेमी कॉलन एंड एंटर की प्रेस करेंगे। हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं, सो हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस एंड देन सेमी कॉलन। यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट, ये हमें यहाँ पे विजिबल है, ये दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद इसको हम यूज़ करेंगे ताकि हम उस डेटाबेस के अंदर एंटर करें एंड देन वी विल क्रिएट आर रिक्वायर्ड टेबल्स इन साइड दैट डेटाबेस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टूडेंट सेमी कॉलन। हमारा डेटाबेस चेंज हो चुका है, हम स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर एंटर हो चुके हैं। नाउ वी विल क्रिएट द टेबल्स। अब हम यहाँ पे अगर इन टेबल्स को देखें कि क्या हमारे इस डेटाबेस में कोई टेबल है, सो हम यहाँ पे देखेंगे शो टेबल सेमी कॉलन करके, तो अभी एम्प्टी है डेटाबेस, इसमें कुछ भी टेबल नहीं है। इसके आगे हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, और नेक्स्ट अगर आपको डेटाबेस के अंदर और भी वर्क करना है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर जल्दी से अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।